नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर क्लास में आप सभी का स्वागत हार्दिक अभिनंदन। इस एप्लीकेशन में आज हम पढ़ेंगे भारत के संसाधन यूनिट फर्स्ट का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जैसे वन संरक्षण का क्या क्या प्रयास है और वन्य प्राणी संरक्षण के क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो सरकार के द्वारा वनों के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहला बात जो है कि स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात सरकार ने 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना करी। वनों के संबंध में सरकार के द्वारा एक नई नीति बनाई गई और नई नीति बनाने की जो पॉलिसी थी उसमें मुख्यतः चार बातें थी कि वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना, वनों का क्षेत्रफल 33.3% या एक तिहाई होना चाहिए, नए वनों को लगाना, जो वन हैं उन वनों को सुरक्षा करना और वनों के संबंध में अनुसंधान करना। इसके अलावा दिसंबर 1988 में एक और नवीन वन्य नीति की घोषणा की गई जिसके तीन लक्ष्य रखे गए। 1988 में जो वन नीति की घोषणा की गई उसके तीन लक्ष्य थे। सबसे पहला जो लक्ष्य था वह था कि पर्यावरण में स्थिरता लाना, जीव जंतुओं और वनस्पति जैसी जो प्राकृतिक धरोहरें हैं उन धरोहरों की रक्षा करना, हिफाजत करना तथा लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करना। वर्ष 1999 में एक बार पुनः 20 वर्षीय राष्ट्रीय कार्यक्रम के योजना को लागू किया गया जिसमें वनों के विकास के लिए केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की गई, भारतीय वन संरक्षण संगठन की स्थापना की गई, राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई, वन महोत्सव को मनाने का प्रोग्राम बनाया गया, सामाजिक वानिकी मतलब समाज के लोगों की सहायता से सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल में, मंदिर में, रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफार्म और रेलवे रेल लाइन की पटरियाँ, बस स्टैंड, हाईवेज, स्कूल प्रांगण, वहाँ पर समाज के लोग और विद्यार्थियों की सहायता से वृक्षारोपण करना। इसके साथ ही भारत के अलग अलग क्षेत्रों में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। अब बात आती है वन्य प्राणी संरक्षण। वन्य प्राणी संरक्षण के क्या क्या उपाय किए गए। सबसे पहली बात शिकार पर प्रतिबंध, वन जंगल में रहने वाले जीवों के ऊपर शिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। शिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को कठोर से कठोर कानून लागू करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सजा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना होना चाहिए जिससे जो शिकारी होते हैं जो उनके ऊपर लगाम लग सके। वनों जंगली जानवरों को राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय अभ्यारण जैसे क्षेत्र उनको उपलब्ध कराया जाना चाहिए, इसलिए राष्ट्रीय पार्क की स्थापना करनी चाहिए जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं, अभ्यारण की स्थापना करनी चाहिए जो राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। लोगों में शिक्षा और जागरूकता लानी चाहिए कि वन्य जीवों के प्रति लोगों में प्रेम की भावना का विकास किया जाना चाहिए। वन्य जीव प्रबंधन योजना केंद्र सरकार के द्वारा जो भी लागू की जाती है उसको तत्परता के साथ लागू किया जाना चाहिए। तो ये कुछ वन संरक्षण और वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रयास थे। थैंक यू वेरी मच।